चलो स्टार्ट करते हैं। लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया ना। सो टुडे टॉपिक इज पैराबोला। व्हाट डू यू मीन बाय कॉनिक सेक्शन? कॉनिक सेक्शन मींस ए कॉनिक और कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन सो दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। वन मिनट, समवन इज ट्राइंग टू which move a plane so that its distance from a fixed point is a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed point. Means like that. I see why the figure. This is the parabola. A fixed point. Say ये जो distance आएगी यहाँ पे, not here. ये तो यहाँ पे join किया. फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एंड ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। दिस इज द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। और यहां से इस पी पॉइंट्स को ज्वाइन करें अभी, तो दैट डिस्टेंस और दैट डिस्टेंस का रेशियो का इसका जो लोकस आता है, दैट लोकस इज नोन एज कॉनिक। ये कॉनिक हो, इसी पॉइंट्स को यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है कि कॉनिक सेक्शन और कॉनी इज द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन सो दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज इन ए कांस्टेंट रेशियो टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और जो कॉन्स्टेंट रेशियो है उसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, जिसको ई से डिनोट डिनोट करें। और ए लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ दैट कॉनिक। एंड ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक विथ इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इज वर्टेक्स। ठीक है, मींस दैट आप देख सकते हैं फ्रॉम फिगर, ये दिस इज द फोकस एस, जिसको फिक्स पॉइंट है इसको फोकस कहेंगे। दिस लाइन इज नोन एज, क्योंकि यह फिक्स्ड लाइन है और यही इसका रेशियो है, एस से इस पी को ज्वाइन कर। और दिस इज द एक्सिस, एक्सिस मींस व्हिच पासेस थ्रू द फोकस। और यहां जो ए पे आएगा, दिस नोन एज वर्टेक्स ऑफ दैट थिंग, वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक। और जो फोकस से लाइन ये जाती है, जो परपेंडिकुलर लाइन अगर फोकस पे खींचे, इसको से लेटस रेक्टम बोलते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नोन एज लेटस रेक्टम। यही पॉइंट मूव कर रहा है, दैट पॉइंट मूव कर रहा है, और ये फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये है आपका पैराबोला।
लेकिन इसके लिए पैराबोला कॉनिक तो होना चाहिए, लेकिन पैराबोला के लिए क्या कंडीशन है कि ये रेशियो का जो कांस्टेंट रेशियो है वो इक्वल जब हो जाएंगे, ठीक है, यानी वन के इक्वल हो जाएगा। ई जो है पीएम अपॉन पीएस अगर वन है तो वो पैराबोला होता है। पर लेकिन पहले हमें कॉनिक सेक्शन ही जानना है कि कॉनिक सेक्शन क्या है, फिर हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि व्हेन इट बिकम ए पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज द फोकल ऑफ डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। जनरल इक्वेशन इज दैट जो आपको पहले बताए थे यूजिंग दैट थिंग, है ना, उसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो व्हेन वी सॉल्व दिस, सो इन दिस केस वी कैन फाइंड दिस। अब ये इसका वही फॉर्मूला ax स्क्वायर ट्वाइस एस एक्स वाई बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड्स। अब ये कॉनिक सेक्शन जो है ये पोजिशन ऑफ फोकस एक्स और डायरेक्ट्रिक्स के रेशियो पे, ये इसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, इसका डिक्रीमेंट मतलब ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनी रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इफ ई इज ग्रेटर देन वन है द लाइन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट intersecting at S equal to 1 per lines will be coincident or line will be imaginary this case में। ये जब condition लगाते हैं, यानी हम ये समझे कि parabola में determinant not equal to 0, यानी आप सीधा ये देखें कि E जो होगा वो 1 के equal आएगा। क्यों? क्योंकि directory से, उसके directory से जो हमने बताया था ये distance और इस डिस्टेंस की वैल्यू, ये इसी को यू ई कहते हैं, एस से इस पी को ज्वाइन कर दो और पी से इस पे ये डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन खींच दिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन और यहां से, इन दोनों का रेशियो यदि इक्वल टू वन है तो उसको हम पैराबोला कहते हैं। तो वही है कि ई इज वन, तो वन के केस में ये पैराबोला होगा, और यदि ई इज लेस देन वन और h square is less than ab, ये यहां से याद रखेंगे इस फॉर्म में। अगर h square, सर्किल के केस में क्या होता है कि ये पॉइंट नहीं होता है, a और b कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, यूनिटी होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, a और b इक्वल होगा तभी इसको यूनिटी बना पाएंगे और फिर ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। बट व्हेन h यहां पे होगा और E की वैल्यू हो गई, E इज वन पैराबोला के लिए, एच स्क्वायर क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर अगर ए बी के इक्वल आएगा दैट कंडीशन विल बी होल्ड, एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी है एच एक्स वाई का, दिस इज एच स्क्वायर अगर लेस देन ए और बी है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशियंट ऑफ बी वाई स्क्वायर के मल्टीपल से यदि यह लेस है देन या इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। हाइपरबोला जब एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी और ई इज ग्रेटर देन, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो ई इज ग्रेटर देन वन, डी नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो ठीक है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके लिए पहले जनरल डिग्री पे हमें ये कंडीशंस वो ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम बार बार ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पॉइंट्स है। अब व्हाट इज द पैराबोला, पैराबोला में अभी हमने बताया कि इज ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक इज वन, इसे डिवाइड कर सकते हैं या ये कर सकते हैं
डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जिसको फोकस से करते हैं, फोकस से उसका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, दिस इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। तो पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर खींचना हमें आता है। इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ, तो ये लाइन है, जो भी लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, x इक्वल टू माइनस ए, इस पे हम p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दें और a जीरो से एक्स वाई में, यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर और इक्वल टू फ्रॉम हियर टू हियर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दें, दोनों को इक्वेट कर दें, तो जो इक्वेशन बनेगा वो यही आएगा, y square equal to 4ax, this is known as parabola. तो ये आपका पैराबोला, पैराबोला समझ में, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन आओ ये चेंज करते हैं, जो कि यहाँ पे जो है y square equal to 4ax. अब इस पैराबोला के लिए वोल्टेक्स क्या होगा, तो ये तो ओरिजिन ही होगा, 0 0, दिस इज वोल्टेक्स। फोकस क्या है, ए जीरो है, एक्सिस क्या है इसका, एक्स इक्वल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस ही आ रहा है, इसका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, मतलब वाई इक्वल टू जीरो, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे, माइनस ए है, यही ना डायरेक्ट्रिक्स, यही है वाई स्क्वायर फोर इक्वल टू, तो यह जो इक्वेशन है, जो डायरेक्ट्रिक्स फिक्स स्टेट लाइन है, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो x इक्वल टू माइनस ए बोले, या ये बोल सकते हैं कि x प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो यही पॉइंट यहां पे आपको लिखा हुआ कि x प्लस ए इक्वल टू जीरो, x प्लस ए इक्वल टू जीरो। फोकल डिस्टेंस तो कोई बात नहीं, उस पे पॉइंट्स ले लीजिए, पॉइंट का उसके फोकस से ए जीरो से उसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूले से, कोई अलग काम नहीं करना है। कार्ड क्या होता है, जो फोकस से फॉर्म करे, फोकस से जाए और उसको ज्वाइन करे, वही फोकल कॉर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉर्ड आप पर पैराबोला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। लेटेस्ट रेक्टम अभी बताए थे, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस आर ए फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। ये लेटेस्ट रेक्टम क्या है, ये मैंने जो बताया था, इस फोकस पे ये एल जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, क्योंकि फोकस तो से लाइन तो कार्ड तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर कार्ड वो एक होगी, जो परपेंडिकुलर होगी इस एक्सिस के ऊपर और फोकस से पास करती है, उसी को बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो इसका भी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे क्या आएगा, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये इस तरह से, लेंथ क्या होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ क्या आएगा यहां पे, इधर की डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी, ये तो होगा, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, और ये कर्व है 4ax, और यहां पे हम ये रख दें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ay स्क्वायर आ जाएगा, ये तो आएगा 4ax है तो 4a, और x इक्वल टू a रख देंगे तो 4a स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, मींस y इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2a, तो प्लस माइनस 2a का मतलब कि 2a डिस्टेंस इसके ऊपर और 2a डिस्टेंस इसके ऊपर, यही तो आ रहा है, एक l डैश आएगा, एक l, कुछ नहीं करना है, यह इसका फोकस है a0, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये जो कर्सर चल रहा है ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो दिस इज दैट थिंग। तो फोर, तो यहां से हमें क्या करना होगा, ये तो हमें कोऑर्डिनेट एक्स की पता है, यह डिस्टेंस निकालनी है, और यह डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इस कर्व पे,
इस कर्व पे y की वैल्यू क्या आ रही है इस पॉइंट पे, ये कैसे पॉइंट करेंगे कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, और x यहाँ पे है क्या, ये है, तो इसको आसानी से फाइंड कर लेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x को a रख दो तो 4a स्क्वायर, तो y कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2a, क्योंकि अंडर रूट 4a स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 2a, प्लस माइनस 2a का मतलब प्लस डिस्टेंस 2a इधर और प्लस डिस्टेंस 2a माइनस की तरफ, बट हमें टोटल डिस्टेंस जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 4a मिलेगी। तो इसीलिए जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो 4a है, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, सेमी मतलब अपर हाफ का केवल, ये या ये, तो ये तो 2a ही होगा क्योंकि टोटल 4 है, ये इसका हाफ है, तो ये 2a होगा, 2a into 2a 4a हुआ। एंड ऑफ लेटस रेक्टम माने उनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्वाड्रेट के लिए L पॉइंट पे क्वाड्रेट क्या होगा, x इक्वल टू a और y इक्वल टू 2a, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू a और y इक्वल टू माइनस 2a, सिंपल। तो ये आपका सेमी लेटस रेक्टम, इतना समझ में आया। अब अगर एक्सिस को आप रोटेट करोगे तो उसी के अनुसार चेंज होगा, इसलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म को आप ध्यान रखेंगे तो नेक्स्ट का होगा। अच्छे, इसका डायरेक्शन हमें पता कैसे चलेगा कौन किस जैसा है, क्योंकि इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अदरवाइज आप कितने फॉर्म याद करेंगे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पैराबोला और कॉनिक की डिफिनेशन याद कर लिए, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी के लिए पैराबोला, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी दिस इज इलिप्स, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी इज ग्रेटर देन वन एंड a plus b equal to 0, this represent rectangular hyperbola, ये condition आप तो ध्यान रख सकते हैं। But y square 4a question में, ये है क्या conic में? Conic में हमने बताया कि कोई भी ये point जो move कर रहा है, pxy जब इस plane पे move कर रहा है, तो इसके लिए main condition वो यही है कि इसका और इसका एक ratio constant हमेशा होना चाहिए। अब वो कितने के equal होगा? अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ रही हैं, यानी वैल्यू वन के इक्वल आ रहा है, तब ये पैराबोला बनता है। इलिप्स में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, लेस देन अब वन आ जाएगा, यानी उसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लेस हो जाएंगे, यानी दिस अपॉन दिस इज लेस देन वन, यानी दिस इज लेस देन दिस, ऐसा हो जाएगा, तो वो एक अलग तरह का बनेगा फिगर, अभी आगे उसका हम लोग करेंगे। तो इसमें मेन ध्यान रखना है, लेकिन फार्मूलों को लर्न करने का तरीका जो है वो ये है कि यहाँ पे पॉइंट्स को हमने रख लिया पी एक्स वाई, ये पॉइंट ए जीरो फोकस हो गया, जो लाइन इसे पास कर रही है ए इज द वर्टेक्स, ए एस उसका फोकस है और ये पॉइंट यहाँ पे डिस्टेंस खींचा है, तो यह पॉइंट अगर a0 इधर रख रहे हो तो x डायरेक्टरीज जो होगी वो इसके इधर आएगी, तो x इक्वल टू माइनस a डिस्टेंस पे ये ओरिजिन है, x इक्वल टू माइनस a डिस्टेंस पे यह एक स्ट्रेट लाइन है, और उसी स्ट्रेट लाइन को डायरेक्टरीज कहते हैं, तो x इक्वल टू प्लस हाफ। अब मान लो कि y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax गिवन, सीन व्हाट दिस इंप्लाइज दैट माइनस 4ax का मतलब हो गया कि x की कोई वैल्यू आप यहां पर रख रहे हो, पॉजिटिव रख रहे हो, 1 रख रहे हो, ठीक है, x इक्वल टू 1 तो भी ये नेगेटिव ही आएगा, 2 रखेंगे तो भी ये नेगेटिव ही आएगा, y की वैल्यू y स्क्वायर यानी y टू 2 लाइक दैट डिस्टेंस इस तरह से आता है, तो ये क्रॉसफॉन्डिंग वैल्यू करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इस साइड आ जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, x इक्वल टू प्लस a, तो जब ये x इक्वल टू प्लस a हो जाएगी तो इस समय जो होगा वो सब चेंज हो जाएगा, फोकस जो हो जाएगा वो माइनस a जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी कि x इक्वल टू a यानी x माइनस a इक्वल टू जीरो, तो इस तरह से आपके लिए ये वैल्यू गिवेन है, ठीक है, x इक्वल टू ए डायरेक्टरीज हो गया, लेटस रेक्टम तो विल बी सेम, यहां तो चूंकि डिस्टेंस ही लेना है और डिस्टेंस हमेशा दिस माइनस दिस करेंगे वो सेम ही आएगा, ठीक है,
तो यह तो हमेशा आपकी वैल्यू, क्योंकि यहां से रखोगे 4ax में x की वैल्यू माइनस ए रखेंगे, दिस बिकम 4a स्क्वायर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2a, तो यह डिस्टेंस तो हमेशा वही आएगी, प्लस 2a माइनस 2a, प्लस 2a माइनस 2a, यही आएगी। तो यह जो पैराबोला हुआ वो किसकी सिमेट्रिक है, y एक्सिस के सिमेट्रिक, एक है इसका आप रिवर्स कर दोगे तो सेकेंड का आपको मिल जाएगा, इसलिए सेकेंड पैराबोला जो होता है वो वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के जब सिमेट्रिक हो देन व्हाट हैपेंड, ठीक है। ये तो पैराबोला किसके सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, ए बी एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर भी सेम और उसके नीचे भी सेम, तो दिस इज सिमेट्रिक टू अलोंग एक्स एक्सिस। जब y एक्सिस की सिमेट्रिक होगा मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, लाइक दैट। इसमें क्या होगा कि अब सब पॉइंट जो होंगे ये y पे आ जाएगा, यानी फोकस जो हो जाएगा वो y एक्सिस पे हो जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगी वो पैरेलल टू दिस, ये आएगा है ना इस लाइन के, क्योंकि तो एक्सिस हो गया, अब ये लाइन जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी यहां पे आ जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि y इक्वल टू माइनस ए, ये स्ट्रेट लाइन होगी, तब ये मूवमेंट करेगा तो यहां से आपको ये फाइंड आउट। तो इस केस में जब ये ऊपर होगा तो इसका फोकस चेंज हो जाएगा क्योंकि यह फोकस y एक्सिस पे आएगा, तो ये बस तुम्हें आपको ध्यान रखना है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पूछ रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax पूछ रहा है, या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया है, या x स्क्वायर इक्वल टू 4, आप उसको ड्रा करोगे, ड्रा करते ही आपको सारी पॉइंट्स जो होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। और सेम यहाँ पे आएगा, ये भी वाई एक्सिस पे ही बनेंगे इस तरह से, इसका अपोजिट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए कर देंगे तो ये नीचे की तरफ बन जाएगा, तो ये वाई इक्वल टू माइनस ए मतलब वाई इक्वल टू वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो, ये कर सकते हैं। और बाकी सेम थिंग आएगी, अब यहाँ पे जब लेटस रेक्टम निकालेंगे तो लेटस रेक्टम यहाँ पे क्या है कि यह जो इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y को a रखेंगे तो ये हो गया 4a स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 2a, वो तो सेम ही आएगा, ठीक है, तो वो प्लस माइनस 2 ही आएगा। तो इस तरह से यह पैराबोला के फॉर्म है, जब एक्सिस को चेंज करते हैं जैसे एच और के से, ये तो सेम हो गया 0 0 0, ए एक्स इक्वल टू वाई माइनस ए 4a, और ये उनका जो यहाँ पे जो आएगा वो उनके साइन के अनुसार उसका हम लेटस रेक्टम का रख लेंगे, तो लेटस रेक्टम ये इस तरह से आएगा, तो ये जो पॉइंट होगा पहले एक्स एक्सिस का, यानी यहाँ पे जो आएगा पॉइंट वो प्लस माइनस 2a आएगा, तो प्लस माइनस 2 और कामा वाई ए, ये आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस आप इसके लिए बस साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो ये आपके पास दिया है, एक बार आप फिगर लिख लिख के स्वयं से पहले फिगर बनाना है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, उसके बाद आप एक एक फॉर्म अपने से ही लिखें कि इसका वर्टिक्स क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा, इसका एक्सिस क्या होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इसका लेटस रेक्टम क्या होगा, ठीक है, तो ये इनके होंगे। और सेम थिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो पैराबोला पे पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर दैट के लिए क्या होगा, 80 स्क्वायर प्लस 280, क्यों आप देख लो, यहां अगर आप यहां पे लिख रहे हो x इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और y को भी अगर हम लिख दें 280, ये हो गया 4a स्क्वायर t स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल, तो ये इस तरह से हम इसको फॉर्म ऑफ करते हैं, ठीक है। तो हर के लिए अलग पैरामीटर, लेकिन ये ध्यान रखोगे 80 स्क्वायर प्लस 280, फिर जब चेंज होगा एक्स वाई में तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा, बस सिंपल ये। अब इसी तरह के जो क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस डायरेक्टरी फोकस लेटस रेक्टम एंड टेंजेंट एट एवरी पैराबोला,
एड वोल्टेक्स ऑफ टेंजेंट, एड वोल्टेक्स पैराबोला। तो पहले तो इसको हमें पैराबोलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है? जब पैराबोलिक फॉर्म में आप लिखोगे तो इसको पहले परफेक्ट देखो, है क्या यहाँ पे, 9y² है, -16x है, -12y है, -57। जब भी इस तरह से दिया रहे तो जो वाई स्क्वायर है और वाई है, पहले तो इसको एक साइड लिख लीजिए आप, और एक्स वाले को एक तरफ है, क्योंकि डायरेक्ट वाई स्क्वायर में नहीं दिया, मतलब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो इससे पहले 9 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वाई स्क्वायर -12/9, मतलब 3 4 12 और 3 3 4/3 वाई, और 4/3 वाई जो आएगा, और ये 16/9 और -57/9 वो तो अलग रहे, इसको इस साइड कर देंगे, यहाँ वाई स्क्वायर आ गया एंड 4/3। तो 4/3 में अब हम कितना क्या करते हैं, क्योंकि यहां प्रोडक्ट दिया है, ए स्क्वायर और उसका प्रोडक्ट है, तो 4/3 का हम क्या करेंगे, 2/3 में ओके। टू बाई थ्री में हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम ऐड कर लेंगे उतना, -2/3 का होल स्क्वायर एंड समथिंग, तो ये आ जाएगा आपका y -2/3 का होल स्क्वायर एंड प्लस लाइक दैट 16/9x +16/9। तो इसका वोल्टेक्स जो हो गया वो वोल्टेक्स तो आपको मिल गया, ठीक है? इसका अपोजिट x -a आप वहां से कर सकते हैं अगर इस फॉर्म का है तो, ठीक है? दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दैट, तो ये आ जाएगा अपोजिट साइन में 61/16 एंड 2/3। ये इसका फॉर्म ये होगा अगर इस फॉर्म का है, जहां शिफ्टिंग फॉर्म है, डायरेक्ट फॉर्म नहीं दिया, y स्क्वायर प्लस 4 y -k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax -x। इसमें वर्टेक्स क्या होते हैं, ये दोनों पॉइंट होते हैं, या एक्स एक्सिस के साथ जो नेगेटिव साइन होता है वो एच, और वाई के साथ जो होता है वो के होता है, तो दिस इज द योर वर्टेक्स। तो इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स इज एच के, अंडरस्टूड? तो एच यहां पे एक्स माइनस होना चाहिए, यानी -61/16 एंड कॉमा 2/3, ये यहां से के, ये इसका वोल्टेक्स होगा। एक्सिस क्या होगा, तो यही आएगा, दैट इज वाई -2/3 इक्वल टू 0, यानी वाई इक्वल टू 2/3। डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, इसको आप ऐड करेंगे तो दिस बिकम दैट थिंग, ये आ जाएगा। फोकस एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू 0, तो ये इसका फोकस आ जाएगा। तो सेम अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वो बड़े आसानी से आप इसको सेमी लेटस रेक्टम का आपको बताइए कि 4 ए आएगा, हाँ नहीं लेटस रेक्टम सेमी होता तो 2 ए कर देते, हाफ कर देते, ए का आप ट्वाइस कर दीजिए, और टेंजेंट एट द वर्टेक्स इक्वल टू 0 इज वही, जब वो x इक्वल टू 0 पे, जब उसको हम डायरेक्ट्रिक्स को वही डायरेक्ट्रिक्स इस पे टेंजेंट होगा, तो दैट टाइम दैट वैल्यू इज x -61/16, ये उसका टेंजेंट टाइम, यही तो डायरेक्ट्रिक्स इज विल बिकम द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जो आपको ऊपर ग्राफ में दिखाई दे। सिमिलर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला व्हिच फोकस इज 2 3 एंड डायरेक्ट्रिस इज द लाइन, कह रहा है कि जो डायरेक्ट्रिस है वो ये लाइन है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होगा, ठीक है?
तो आपको इसमें बताया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस से और वहां का, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती हैं, तो हम इसमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड कर ले और उसी का क्या कर दें, ट्वाइस कर दें, या केवल पैराबोला के केस में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस पे इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच दो और उसका क्या कर दें, ट्वाइस कर दें। क्यों? क्योंकि फोकस से और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है और पॉइंट से जो डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का होता है, वो दोनों इक्वल होता है। एक को फाइंड कर लें, उसी को डबल कर दें, तो हमें टोटल डिस्टेंस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमें फाइंड आउट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप डालिए। ठीक है, तो यहां पे आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो गया ए। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे डालने के लिए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे क्या है, टू है इंटू ए, ए वन है तो टू इंटू ए टू। यहां चूंकि प्लस, वहां प्लस ही होता है लेकिन यहां माइनस फोर है, इस वजह से ये माइनस हो जाएगा। तो बी एक्स वाई यानी माइनस फोर इंटू थ्री प्लस माइनस फोर इंटू थ्री यानी माइनस फोर इंटू थ्री हो जाएगा, एंड प्लस ऑफ सी तो सी प्लस ही है तो ये थ्री हो गया, अपॉन अंडर रूट ए कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर फोर स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस, यू कैन फाइंड 14 अपॉन अंडर रूट 70, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ इन सेकेंड केस, किसी तरह से पैराबोला का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो देख, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच फोकस इज माइनस सिक्स कॉमा माइनस सिक्स एंड वर्टेक्स माइनस टू कॉमा टू। सो लेट ये दो पॉइंट्स गिवेन हुए, ये आपका यहां पर वी हैव ड्रॉ दिस थिंग। ठीक है, ये इसका वॉल्टेक्स हो गया माइनस टू एंड टू। ठीक, मतलब ये इधर ये पड़ेगा, ये इसकी डायरेक्ट डायरेक्टरीज हो गई, ये पैराबोला बन रहा है, ये इसका फोकस है, फोकस का दिया है माइनस सिक्स। ठीक है, अब यहां पे कोई भी पॉइंट एक एक्स वाई ले लेते हैं, यहां पे आप पॉइंट एक ले सकते हो डायरेक्टरी पे एक्स वन वाई वन, सच दैट यस ए जो होगा और ये एस के जो होंगे, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये मिड पॉइंट इसका होगा डायरेक्ट्रिक्स के केस, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये केम क्या है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो ये जो होता है इस पॉइंट्स का बाइसेक्टर होता है, जब ये बाइसेक्टर है तो इसके कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो आपको पता है, यानी माइनस सिक्स प्लस एक्स वन अपॉन माइनस। ठीक है, माने इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि दिस एंड दिस एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू मिड पॉइंट, माइनस सिक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू और दैट इक्वल टू माइनस टू। उसी तरह से माइनस सिक्स प्लस वाई वन अपॉन टू इक्वल टू टू, ये आप यहां पे इसका मिड पॉइंट से रख दिया, तो माइनस सिक्स एक्स वन इक्वल टू माइनस फोर, कैलकुलेट किया एक को लेके पहले, माइनस सिक्स एक्स वन इक्वल टू माइनस फोर, तो एक्स वन की वैल्यू यहां से आ जाएगी और वाई वन की वैल्यू आ गई, तो यानी एक्स वन वाई वन आ गया टू टेन। हेंस द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसका डायरेक्ट्रिक्स केएम का इक्वेशन क्या होगा, तो y माइनस टेन, क्योंकि यहां पे आया y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वन पॉइंट से पासिस थ्रू इक्वेशन, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब हमें चाहिए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होगा, तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे, तो ग्रेडियंट किसका निकालना है, इसका, इसका स्लोप क्या है, तो यहाँ पॉइंट माइनस सिक्स सिक्स है और के का हमें पता है, तो इसका आप ग्रेडियंट फाइंड कर लीजिए। ग्रेडियंट का मतलब जो स्लोप है, स्लोप क्या आएगा वो देखना है, तो स्लोप इज व्हाट,
अब यहां से जो करेंगे ये वैल्यू आ गया, यानी y2 माइनस y1, तो मान लो यहां पे क्या है y1 y2 माइनस y2, तो ये 10 है, तो 10 माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 6 16 अपॉन दैट थिंग, x1 मतलब 2 माइनस ऑफ माइनस 6, तो दिस बिकम 16 अपॉन 8, यानी m की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई 2, तो यहां पे रख दिया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें मिल गया, तो अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम निकाल लेंगे। अब यहां p पॉइंट पे हमें पैराबोला की, ये मान लिया पॉइंट एक्स वाई, तो इससे और इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस निकाल, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि x और इस इनके बीच की डिस्टेंस, p और s के बीच की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर डाल लेंगे क्योंकि यह इक्वेशन है वो आपको पता है, x प्लस 2y माइनस 22, तो यही होगा, एक्स वाई से ही डालना है, तो x प्लस 2y माइनस 22 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू द पैराबोला, एंड नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड दिस, तो इसके बीच का डिस्टेंस अंडर रूट x माइनस ऑफ माइनस 6 यानी x प्लस 6, और ये भी हो गया y प्लस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और दिस इज इक्वल टू दैट। अब इसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लोगे, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी कैन फाइंड दिस थिंग, पहले स्क्वायर कर दो फिर सॉल्व करो फिर इनको फैक्टर को तोड़ दो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, देन आप फाइनली यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आपका इक्वेशन। तो कभी कभी अगर इस तरह से क्वेश्चन गिवेन है तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो है, द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला आर 7.5 एंड 7.3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, s is given as 7.4, also the axis of parabola is perpendicular to the, पहले ही बताया, latest rectum and passes through the focus, so its equation क्या आ जाएंगे, तो दो पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ओके, तो टू इक्वेशन से टू पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x x माइनस x, तो जिससे पास कर रहा है उसको पहले आप लिखोगे, वो s से जाता है तो y माइनस y4 x माइनस x1, और यहां पे इन पॉइंट्स के बीच का हम फाइंड कर लेंगे, तो यहां से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, दिस इज द थिंग। इसमें x वाले कोएफिशिएंट्स को आप ऊपर रखेंगे, यानी x1 माइनस x2, ठीक है, अपॉन y1 माइनस y2, 5 माइनस 3, तो ये इसकी वैल्यू आ गई y इक्वल टू 4, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 5 माइनस 3 आएगा, ये आप यहां से कर सकते, तो इस तरह से आप इस पैराबोला के पोजीशंस, अब पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू पैराबोला इज व्हाट, तो पॉइंट्स x1 y1 लाइज आउटसाइड ऑन इनसाइड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, ठीक है, फॉर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा माइनस वन कामा अल्फा लाई
इनसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर। इनसाइड अगर कर रहा है इसका मतलब कि वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन इज लेस देन जीरो। ठीक है, अगर आउटसाइड लाई करता तो पॉजिटिव वैल्यू आती, यानी ग्रेटर देन जीरो। पैराबोला पे लाई करेगा तो क्यू डिस्टेंस इक्वल होती है तो वो पैराबोला पे मतलब इक्वल टू जीरो, और लेस देन जीरो है मतलब वो इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला। सो वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन इज लेस देन जीरो। अब इसी में वैल्यू रख क्योंकि ये पॉइंट तो गिवन है। तो y1 मतलब अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर माइनस फोर ऑफ अल्फा माइनस वन इज लेस देन जीरो। सो अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा प्लस फोर इज लेस देन जीरो मीन्स अल्फा माइनस टू का स्क्वायर इज लेस देन जीरो। दिस इंप्लाइज दैट चूंकि व्हाट इज दैट वैल्यू, अब यहां पे क्या वैल्यू आएगी, दिस इज द प्रॉब्लम। अल्फा माइनस टू का होल स्क्वायर इज लेस देन जीरो, सो व्हाट द वैल्यू ऑफ, कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया और परफेक्ट स्क्वायर में कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी। जो भी वैल्यू यहां पे आप रखोगे दिस बिकम ए पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब कि अल्फा कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर। Understood? तो ये हमारे मेन पॉइंट्स यही है कि इस केस में अल्फा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि यहां परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो यही ध्यान रखना। तो ये पोजीशन आप पॉइंट टू ये पैराबोला अगर इस तरह से पूछता है यू कैन नो आसानी से आप कर सकते हैं। बस उसमें यही देखना है कि जो भी पॉइंट्स पे है तो एक्स वन वाई वन है तो वाई को वाई वन से, एक्स को एक्स वन से, इसको इधर लाओगे वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन हो जाएगा। अब ये अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो सीधे सीधे, अगर वह निगेटिव आ रही तो इनसाइड द सर्किल होगा, इक्वल जीरो आ रहा है ऑन द सर पैराबोला होगा, नॉट सर्किल, ऑन द पैराबोला, एंड इफ पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो ये आउटसाइड द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला उस पे आधारित एक क्वेश्चन। सेम थिंग द इक्वेशन ऑफ कार्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, उनके दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करेंगे उनको कार्ड करेंगे। टू पॉइंट्स पी टी वन एंड क्यू टू ए टू क्या हम रखेंगे यहां पे, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ पैराबोला ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी टी वन एंड क्यू टी टू इज व्हाट इज वाई टी वन प्लस टी टू इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस टू ए टी वन टी टू। फोकल कार्ड होगा देन टी वन टी टू इज माइनस वन। अच्छा, जो एक्सट्रीमिज ऑफ फोकल कार्ड हम ले सकते हैं वे पैरामेट्रिक इक्वेशन ये होते हैं, एक तो ये ए टी स्क्वायर प्लस टू ए टी एंड ए अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू ए अपॉन टी, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। देन इस पे बेस जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे गिवन है। सेम प्रोसेस सेम थिंग आपको करते रहना, फॉर्मूला कोई नया नहीं है, कहीं डिस्टेंस निकालना कहीं स्लोप निकालना, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, परपेंडिकुलर कंडीशन आपको पता है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा, तो ये सब आपको प्रीवियसली बताया जा चुका है। तो इस पे आधारित ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। लाइन एंड पैराबोला, ठीक है। अगर लाइन y इक्वल टू एम एक्स सी है और इस पैराबोला पे क्या मिट कर रही है, तो y इक्वल टू एम एक्स सी इसमें रख के इसको सॉल्व कर ले। तो जब सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, क्या आ जाएगा,
एम एक्स प्लस सी जब यहां पे रखोगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम एक्स सी लाइक दैट माइनस फोर ए एक्स, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन टू पॉइंट्स रियल कॉन्सिडेंट और इमेजिनरी अकॉर्डिंग एज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन सी एम। ठीक है, ठीक है, इस पे डिपेंड करे। और कंटिजेंसी ऑफ टेंजेंसी क्या आएगी, तो सी इक्वल टू ए बाई एम, ये आता है। सी की वैल्यू जो होगी अगर ए बाई एम के इक्वल आ रही, ए बाई एम के इक्वल आ रही है, तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगा। उसको भी लिख करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर इक्वल टू जीरो, देन दिस बिकम ए टेंजेंट। आप वो भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स को मैं रख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अगर वह रूट्स वहीं से आप फाइंड करेंगे तो ये सारे कंडीशन निकल आएंगे। तो एक बार आप इसमें रख के उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो इन ग्रेटर देन जीरो पे, लेस देन जीरो पे, इमेजिनरी पे, तो आपको सारे कंडीशन आपको वहां पे मिलेंगे। और साथ में जब एक बार आप डिराइव कर लोगे तो आपका कंडीशन अपने आप आ जाएगा, और वो बहुत आसान है, उसमें कुछ करना नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सभी को आता है। तो ये सारे कंडीशन आ जाएगा। अब y इक्वल टू विल बी टेंजेंट टू द पैरेलल x स्क्वायर, तो सेम हो जाएगा इफ c इक्वल टू माइनस ऑफ a m a स्क्वायर। आप इसमें रख के निकालेंगे तो ये कंडीशन अपने आप आ जाएगा, दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दैट अगर वो टेंजेंट होगा तो उसके रूट्स क्या होंगे, कॉन्सिडेंट कर जाएंगे, एक ही पॉइंट्स आ जाएगा ना, कॉन्सिडेंट कर जाएंगे। तो कॉन्सिडेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और जब आप रख के उसको सॉल्व करोगे, यू कैन फाइंड दिस थिंग, सी इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्ट बाय पैराबोला ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज व्हाट, दिस इज दैट, ये भी आप निकाल सकते हैं, फोर अपॉन एम स्क्वायर अंडर रूट ए वन प्लस एम स्क्वायर ए माइनस एम। अब इस पे आधारित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को करेंगे। इफ द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस लैम्ब्डा इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा इज क्या आएंगे। ये तो सेम पैसा आप कैसे निकालेंगे, तो ही हमने बताया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको सॉल्व करना है। इफ द लाइन इतना इंटरसेक्ट द पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसका मतलब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कि जो डिक्रीमेंट आएगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये जो क्वेश्चन करने हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस करने हैं। तो y इक्वल टू 3x प्लस लैम्ब्डा इंटरसेक्ट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा इज पुटिंग वैल्यू। अब इसमें हम करेंगे क्या कि y को इसमें पुट कर दिया यहां पे जो अभी हमने बताया, और इसको जब अरेंज कर दोगे दिस बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये पैराबोला कह रहा है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, लाइन जो है इसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसका जो डिक्रीमेंट है वह ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। आप इसको यहां पे कर लेंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज गिटो, यहाँ पे ये लेमडा स्क्वायर, लेमडा से हमें देखना है, तो ये लेमडा स्क्वायर है नॉट फॉर एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर में। तो ये हो गया आपका c की वैल्यू, और बी स्क्वायर मतलब दैट माइनस, यहां से आप कर लोगे सिक्स लेमडा एंड माइनस फोर है x का कोफिशियंट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसे करके जब सॉल्व करेंगे तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
और ये वैल्यू लेमडा की जो आएगी जब सॉल्व करेंगे तो दैट बिकम लेमडा इज लेस देन 1/3 जो यहाँ पे आ रहा है। आप भी सॉल्व करके देख लें क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें करना है। बी स्क्वायर मतलब 6 लेमडा माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसमें से एक यूनिट 2 कॉमन ले लिया है, तो आप चाहो 2 कॉमन ले लो, उनसे कोई इशू नहीं है। जिसको ये 4 दिखा रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये 3 लेमडा हो गया माइनस 2 हो गया। ये पहले 2 कॉमन ले लिया, देनी यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, यहां से ही डायरेक्ट लिख लें या 2 कॉमन करके लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो 4 3 लेमडा माइनस 4, ये 4 हो गया। ए क्या है आपका, 9 है, और सी क्या है, लेमडा स्क्वायर है। तो ये 4 पॉइंट नहीं है, 4 × 9 लैम्डा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व कर देंगे लैम्डा। तो कहने का अर्थ हमारा है कि इस तरह का जब भी पूछे कि ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटा, तो ये कहां से आएगा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो भी आएगा वो आपका कॉन्सेप्ट होगा ऑन द बेस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट, और वो अगर याद है तो आप आसानी से किसी भी कॉनिक के लिए, यही हाइपरबोला के लिए होगा, यही कंडीशन पैराबोला के लिए होगा, इलिप्स के लिए होगा, सेम कंडीशन विल दिस थिंग। टच करेगा सिंगल पॉइंट पे करेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इमेजिनरी इज लेस देन लैम्डा। तो इस तरह से आप इसको लेस देन 0, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0, तो वो 3 कंडीशन आपको ध्यान रखने हैं। और ये पूरी जो भी आएंगे वो सब में हमें यही करना है। ठीक है, तो टेंजेंट टू द पैराबोला। अब टेंजेंट टू द पैराबोला में कैसे लिखते हैं, देखो पॉइंट से अगर लिखना है तो ये क्या हो गया, ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, ये आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ये पॉइंट है at² + 2at, तो ये तो आपका फिगरली हो गया। आपको लर्न रखने के लिए सैम्पलिंग हम बता दें, कहीं भी पॉइंट्स में अगर आपको टेंजेंट लिखना है कर्व में, तो जो y स्क्वायर होता है उसको y और y1 से आप रिप्रेजेंट कर दोगे, x में आएगा तो उसको x + x1 कर दें। अब इसी को x स्क्वायर में करें तो x x1 प्लस ये इसका हाफ हो जाता है 2a, और फिर अगर y में होगा तो y + y1 हो जाएगा। तो ये सभी के लिए आएंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, मतलब इस पे y1 इक्वल टू 4ax1। मान लो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता तो फिर अलग से कर लेते, x1 इक्वल टू 4ay प्लस 2a प्लस y+1। ये आपको ध्यान रखना। स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला स्लोप फॉर्म y इक्वल टू क्या होगा, mx + a/m, वो निकाल लेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसमें क्या होगा, दोनों को रख के वहां निकाल लेंगे। नहीं आ रहा, आप वैल्यूज को पुट के रखोगे, ये पॉइंट्स आपको आ जाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे वहां से। तो mx + a/m, a/m² + यानी y = mx + c जब रखते हैं, देन यू कैन फाइंड, ये कंडीशन है। पैरामेट्रिक फॉर्म इज दैट, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड नाउ ए टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 8x मेट एंड एंगल 45 विद द स्ट्रेट लाइन y = 3x + 5, फाइंड इट्स इक्वेशन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, हम तो फाइंड करेंगे, 45 डिग्री है स्ट्रेट लाइन से, फाइंड इट्स इक्वेशन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आप कर लेंगे यहाँ से, tan 45 की वैल्यू, और देन यहाँ से आपको m आ जाएगा, और ये इसका m यहाँ से, और ये इसमें आप पुट कर लेंगे, देन यू कैन फाइंड दिस थिंग, m की वैल्यू -1/2 या 1/2 आएगा। तो इस तरह से ही सेम है, वो क्वेश्चंस को आपको करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गिवेन हुए हैं, नॉर्मल के लिए आपको बताए थे, बस केवल क्या होता है, स्लोप चेंज हो जाता है, तो सेम थिंग यहाँ पे भी आएगा, और अलग अलग के लिए आपको अलग अलग, तो वहां से आप ये कर लेंगे। तो नॉर्मल फाइंड करना, टेंजेंट फाइंड करना, और रूल फाइंड, ये क्वेश्चन इसमें आपको गिवेन हुए या हम आपको ग्रुप में दे देंगे, और आप एक एक करके इसको फाइंड करेंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, तो डायरेक्ट्रीज क्या होता है, डायमीटर,
खैर ये कर लेंगे, एक बार आपको इसमें रिवाइज करा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसके नेक्स्ट जो करेंगे, बाकी इसमें जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पैराबोला प्लस, पैराबोला एंड थोड़ा पार्ट इलिप्स का करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें पैराबोला एंड इलिप्स पे फोकस करेंगे। तो करते हैं, वी आर मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। क्लास 2:30 to 4 क्लास अपनी होती है, इसलिए सभी लोग ज्वाइन करें इस क्लास को। जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं ऑनलाइन, और यह चूंकि रिकॉर्डिंग आपका यूट्यूब पे भी जाएगा, तो जिनको अगर छूट जा रहा है वो यूट्यूब से भी अपना वीडियोस को देख लेंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो डिस्कस कर लें नेक्स्ट क्लास में। ओके।